नमस्कार दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि होल्डर की वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों कोई बड़े मुश्किल बात नहीं है, इसमें आप भी कर सकते हैं। आप मार्केट से वायर और अपने होल्डर परचेज करके लाना है, उसके बाद आपने क्या करना है। जब आप खरीद कर लाते हैं तो होल्डर आप कैसे होता है, तो आपने क्या करना है, इस होल्डर को खोलना है। अब वो तार है, जो तार हम इसमें लगाएंगे, आगे से हमने छील लेना है थोड़ा सा, आग से आप छील लें। उसके बाद अपने इसमें तार में निकाल देना है। हमने पहले तो हम इससे निकालेंगे, इसे हमने यहाँ से कर दिया अंदर। और फिर और एक अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, होल्डर की तार कभी नहीं खींचती, आप पीछे गांठ दे दो, ज़्यादा लंबी नहीं देनी आपने, कि जिससे होल्डर आपका ढीला ना हो। अपने गांठ दे दी, उसके बाद अपने यहाँ लगाना है। ये दो तार होती हैं, इसमें कहीं से भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखना है जो तार है आपकी, टाइट करना है हमेशा। जो भी आप वायरिंग करते हैं, आप नेट सही से टाइट करोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा आपका। उसके बाद ये ध्यान रखना, जो तार आप लगा रहे हैं वो आपके इसके जो ये लोहा, इसके साथ टच होनी चाहिए, ना कि आपने तार लगा दी, तार उसमें टच नहीं है, तार आपकी आगे होगी। इसके बाद आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अब हमारी जो गांठ है वो आगे निकल गई है थोड़ी, तो हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। हाँ ये देखो, इसके बाद हमने ऐसे कर दिया और ऐसे हमने, ये हमारी होगी होल्डर की वायर। आप खींचोगे, ऐसे खींचते भी हो तो भी ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि खींचेगी नहीं आपके, पीछे से छूटेगी नहीं तो खींचेगी नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, आप मार्केट से 2 पिन कनेक्टर ये परचेज कर सकते हो। इसको आपने क्या करना है, खोलना है। इसके बाद मैंने इसको खोल दिया, इसके बाद हमने इसमें तार लगाएंगे। तो दोस्तों होल्डर की तार के लिए इशू नहीं है कि आप कौन सी तार कहां पर लगा रहे हो, कहीं भी लगा दो ऑटोमेटिक ले लेते हैं। तो इसमें हमने तार लगा दी और उसके बाद हमने टाइट करना है, ये ढीला नहीं छोड़ना, टाइट रखना है। ये हो गया, इसके बाद हमने तार इसमें लगानी है। इसके होल्डर बनाने के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई भी तार का कोई पता नहीं होता, कहाँ भी लगा दो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रल पावर ही ऑटोमेटिक ले लेते हैं। ये नहीं इसके राइट में करो, लेफ्ट में करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा ये हो गया, इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। इसको क्या करना है, अब ये जो है ये एक नेट होता है, इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये नेट है, इसको हमने यहाँ बिठा दिया और इसके ऊपर आपने हाथ रखना है और यहाँ से इसको नेट को लगाना है। जैसे हमने लगा दिया, फिर हम इसको टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखा कि हमारा जो होल्डर है बनकर रेडी है। अब हम इसको चेक करते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है।
तो दोस्तों आपने देखा कि ये होल्डर हमने वायरिंग लगा दी है, वही होल्डर है, तो हमारा ये होल्डर चल गया है। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो होल्डर हमने बनाया बिल्कुल ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।